आधी रात को जंतर मंतर पर मचा बवाल, पुलिस और पहलवान हुए आमने सामने। पुलिस ने दी पहलवानों को नसीहत, कहा पीछे हट जाओ वरना अंजाम भुगतना होगा। आखिर किसके इशारे पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को पहलवानों से नहीं मिलने दिया गया और बल्कि जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। रात में जंतर मंतर में जो कुछ हुआ उसका मास्टरमाइंड कौन है? क्या शाह ने दिए थे पुलिस को निर्देश? दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और पुलिस के बीच कल देर रात झड़प हुई, जिसके बाद रात को ही स्वाति मालीवाल उनसे मिलने जंतर मंतर पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहलवानों से मिलने नहीं दिया। हालांकि स्वाति मालीवाल आज सुबह एक बार फिर जंतर मंतर पहुंच गई। मालीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए गुंडागर्दी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाए कि बृजभूषण शरण को गिरफ्तार करने की जगह हमें परेशान कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के इस रुख पर भड़की दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को गुंडा तक कह दिया। दरअसल वो जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने पहुंची थी। उन्हें ऐसा करने से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इजाजत नहीं दी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने स्वाति मालीवाल से पूछा कि आप क्यों मिलना चाहती हैं। इस पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं। मैं महिला पहलवानों से मिलना चाहती हूं, उनका हालचाल जानना चाहती हूं। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ रात में बदसलूकी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, बृजभूषण गुंडा है और उसको दिल्ली पुलिस बचा रही है। लड़कियों से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने स्वाति मालीवाल को पहलवानों से मिलने की इजाजत दे दी। आम आदमी पार्टी ने इस घटना की वजह से आज बड़ी बैठक बुलाई है। आज विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक दोपहर 12 बजे से होगी। इसमें गोपाल राय सहित दिल्ली के बड़े नेता शामिल होंगे। दरअसल प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने जंतर मंतर पर बुधवार देर रात बवाल के बाद गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में अपनी चार मांगे रखी है, साथ ही पूरी घटना का ब्यौरा दिया है। खिलाड़ियों के द्वारा शाह को लिखे गए पत्र में दिल्ली पुलिस पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। खिलाड़ियों ने धरना स्थल पर कुछ जरूरी सामान लाने की इजाजत मांगी है। इसमें वाटरप्रूफ टेंट, मजबूत स्टेज, पलंग, साउंड सिस्टम, गद्दे और कुश्ती मैट और जिम का सामान शामिल है।